भाई 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 मैं क्या देख कर आया हूँ अभी। पूरा थिएटर फाड़ दिया, पूरा मॉल फाड़ दिया, और क्या क्या फाड़ा मैं बता नहीं सकता। नमस्ते गाइस। तो भाई फाइनली इस साल की सबसे मोस्ट अवेटेड और वॉयलेंट मूवी आज रिलीज हो चुकी है। भाई संदीप रेड्डी वंगा ने जो कहा था उन्होंने मूवी में वही डिलीवर किया है। ब्रूटल एक्शन सीन, वॉयलेंस, मार काट, उन्होंने सब इस पिक्चर में खोल के रख दिया है। लेकिन आते हैं धीरे धीरे इन सब बातों पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस मूवी की स्टोरी क्या थी, वह भी बिना किसी स्पॉइलर के। तो सबसे पहले आते हैं हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर रणवीर कपूर पर। उनका जो कैरेक्टर है वो अपने बाप से बचपन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन उनका जो बाप है वो एक टॉक्सिक फादर है और वो अपने बेटे को हर एक छोटी मोटी गलती पे मारता है। इसकी वजह से इस पिक्चर में जो रणवीर कपूर का कैरेक्टर है उसको अपने बाप से कभी उस लेवल का प्यार नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी वो अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी मतलब कुछ भी। लेकिन जैसे रणवीर कपूर का कैरेक्टर धीरे धीरे बड़ा होता है उसका प्यार अपने बाप के लिए और बढ़ता जाता है। और एक दिन जब उसके बाप को कोई गोली मारता है उसके बाद रणवीर कपूर की हटक जाती है और वो निकल पड़ता है उस आदमी को मारने जिसने उसके बाप को मारने की कोशिश करी। इसके बाद जो रणवीर कपूर का कैरेक्टर धीरे धीरे वॉयलेंस की तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे वो धीरे धीरे ब्रूटल होने लगता है ये मूवी आपको अपने अंदर समाने लगती है। और भाई आप पूरी तरीके से इस मूवी में इन्वेस्टेड हो जाओगे क्योंकि ये मूवी आपको ऐसे ऐसे सीन दिखाएगी जो कि आपके आंखों से खून तक निकाल देगी। लेकिन इसी के साथ साथ भी ये मूवी दूसरी चीजों को भी अच्छे से दिखाती है, जैसे कि रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना के बीच में जो लव एंगल था ये उसे अच्छे से दिखाती है। इसी के अलावा उसकी फैमिली के अंदर जो जो कुछ चलता है वो उन सबको भी अच्छे से दिखाती है, खासकर उसके जीजाजी वाले सीन्स। लेकिन अगर इन सभी के अलावा हम मूवी के एक्टर्स की बात करें तो भाई सबसे पहले मूवी के मॉन्स्टर रणवीर कपूर ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इस पिक्चर में दी है। जिस तरीके की उनकी डायलॉग डिलीवरी थी और जिस तरीके का उनका एक्शन था, भाई आप उनके एक बहुत बड़े फैन बन जाओगे। लेकिन इसी के अलावा बॉबी देओल का जो कैरेक्टर था, हाँ उनका रन टाइम थोड़ा कम था मूवी में, लेकिन वो जितनी देर भी मूवी में दिखते हैं भाई मचा देते हैं। इसी के अलावा रश्मिका मंदाना के जितने भी सीन्स थे वो सारे प्रोमिसिंग थे, लेकिन हाँ कई कई जगह डायलॉग समझ में नहीं आए। लेकिन इसी के अलावा अनिल कपूर, उनकी जो फैमिली के लोग थे, उन सबका परफॉर्मेंस भी इस मूवी में एक इनफ वेल गुड था। मूवी का जो फर्स्ट हाफ था वो धीरे धीरे स्टोरी को बिल्ड करता है और जब इसका पीक आता है तो भाई ये इंटरवेल में मचा देता है। लेकिन इसके बाद मैं कहूंगा, लेकिन इसका जो दूसरा हाफ था वो थोड़ा मुझे पहले से कम लगा क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा एक्शन सीन्स नहीं थे। और हाँ एक कमी और है मूवी में, इस मूवी की एंडिंग जहाँ पर बॉबी देओल और रणवीर कपूर की जो फाइट सीन थी वो थोड़ी जल्दी खत्म होगी, मैं और एक्शन देखना चाहता था। लेकिन हाँ ओवरऑल ये मूवी फाड़ है, इसको एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। और भाई इसी के साथ इसका जो बीजीएम है फाड़ भाई फाड़। 3 घंटे 21 मिनट कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। संदीप रेड्डी वंगा, यू आर जीनियस। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम जल्दी इस पूरी मूवी का एक्सप्लेन वीडियो लाने वाले हैं। तो आप, मैं और हम सभी सिनेमा के दीवाने हैं मिस्टर मैन।